हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लाया हूँ वो वीज़ा फ्री के लिए है कि कहाँ का वीज़ा जो है वो फ्री मिल रहा है। दोस्तों, जहाँ तक कि आपने ये सुना होगा कि 2017 की एंड में 2017 की एंड में ठीक है, उसके अंदर कतर ने कुछ 80 कंट्रीज़ के नाम दिए थे जिसके अंदर इंडिया भी शामिल था, ठीक है। तो उनको जो है वो वीज़ा फ्री की थी, 30 डेज़ की वीज़ा, ठीक है, कि आप एयरपोर्ट जाओ, वहाँ से आप वीज़ा लेकर और डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हो प्लेन की टिकट लेकर, ठीक है। तो आप लोगों को जो है वो इंटरव्यू या कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब इसकी न्यू जो रिपोर्ट आई थी 2018 की स्टार्टिंग के अंदर, जिसकी वजह से कतर ने जो है वो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, तो 2018 के अंदर ये हुआ कि कुछ चीज़ें हुई थी कतर के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से कतर ने ये चीज़ देखते हुए जो है वो वीज़ा पाकिस्तान के लिए भी फ्री कर दिया। लेकिन कुछ उसकी शराइतें हैं पाकिस्तान के लिए भी और दूसरे मुल्क के लिए भी, कि अगर वो यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, स्टेटमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट अपने एयरपोर्ट जाके और वहाँ से वीज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है और कतर की करेंसी क्या चल रही है अभी पाकिस्तान के अंदर। तो चलिए फिर इस हिसाब से बात करते हैं इस टॉपिक पे। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्रैवल के हवाले से, वर्डप्रेस के हवाले से, ओएस क्लास के हवाले से, आईफोन के हवाले से और एप्लीकेशंस वगैरह और बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज़ के साथ आता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कतर के बारे में बात करना। दोस्तों, कतर ने ये चीज़ क्यों की? क्योंकि कतर को भी इस चीज़ पर फ़ायदा है, जाहिर सी बात है, जब दूसरे मुल्क के लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है, जो उन्होंने 30 डेज़ वीज़ा फ्री कर दिया है, ठीक है, तो वो जब वहाँ पर आएंगे तो वो वहाँ होटलों में रहेंगे, वहाँ पे खाना पीना ये वो, मतलब जो भी है वो होटल से खाएंगे, ये खाएंगे, तो उससे उसकी कंट्री को बहुत फ़ायदा है। और बाहर से फॉरनर्स वगैरह आएंगे US से, ये तो डॉलर में खर्च करते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो वो तो बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर शॉपिंग भी करते हैं और चीज़ें भी लेते हैं, वो जाहिर सी बात है उनके मुल्क का थोड़ा नाम भी बढ़ेगा और हो सकता है कि कोई फॉरनर ऐसा भी हो जो वहाँ बिज़नेस लगाने की सोचे। और दोस्तों, वाकई में आप लोगों को वहाँ पे जाके देखना चाहिए कि अगर कोई बिज़नेस लगाने का आपको लगता है कि यहाँ पर चलेगा, तो वाकई में कतर एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी हैं और आप उसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च भी कर सकते हो तो आपको पता चलेगा। और दोस्तों, इस वक्त अभी पाकिस्तान के अंदर जो है वो कतर की करेंसी चल रही है 31.50, ठीक है। तो बात यह है कि पाकिस्तान के जो 31 रुपए हैं, 31 रुपीस जो हैं, ठीक है, वो आप देंगे तो आपको कतर का 1 रुपया मिलेगा। कतर में चलता है कतर रियाल, ठीक है, रियाल चलता है वहाँ पर कतर का, ठीक है। और दूसरी बात कर लेते हैं कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ जो है वो उन्होंने बताया है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए पूरा ब्लॉग लिख के रखा है, ठीक है, तो प्लीज़ ये ब्लॉग भी देखिएगा, ठीक है, ये आप लोगों के लिए लिखा है और पाकिस्तानियों के लिए लिखा है, ठीक है, तो इसको रीड कर लीजिएगा एक बार वीडियो देखने के बाद, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। सही है, सबसे पहले हम नीचे से इन्फॉर्मेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट्स में। के पास जो है वो 6 महीने वैलिड का पासपोर्ट होना चाहिए, तभी आपको कतर जाने देगा। ये ज़्यादातर चीज़ें पाकिस्तान के लिए हैं, सही है, इंडिया वगैरह के लिए ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ज़्यादातर ये चीज़ें जो है वो इन्होंने पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से दी है। आपके पास 6 मंथ्स पासपोर्ट होना चाहिए एक्सपायर होने में, ठीक है। आपके पास जो है वो रिटर्न टिकट होना चाहिए वापसी का, तभी वो आपको जो है वो वहाँ की वीज़ा देंगे, ठीक है। और आपके पास कतर के 5,000 रुपये होने चाहिए, ठीक है, या तो कोई वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए तो वो आपको वहाँ पर जाने देंगे,
सही है, ये मैंने अभी सिर्फ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट निकाली है, आप दूसरे मुल्क की, इंडिया की और उसकी भी निकाल के चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ज़्यादातर रिक्वायरमेंट सेम ही होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ ज़्यादा ही जो है वो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए ये दिए है कि वैक्सीनेशन भी उनका होना लाजमी है, ठीक है, अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो वो नहीं जाने देंगे, ठीक है। वीज़ा विल बी गारंटेड फॉर 30 डेज फ्री ऑफ चार्ज एंड, अच्छा तो 30 दिन के लिए जो है वो आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपकी रिटर्न टिकट पहले देखी जाएगी, बस दोस्तों, ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स इसकी नहीं है, ठीक है। तो ये आ गए आपके सामने 33 कंट्रीज़, ठीक है, जिसके अंदर फॉरनर्स कंट्री भी है, ब्राज़ील हो गया और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इसके अंदर जिनको वीज़ा फ्री है, उसमें से इंडिया है, हांगकॉन्ग है, उसके बाद आ जाते हैं नीचे सबसे लास्ट के अंदर पाकिस्तान का है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल एंड में जो है वो बोला गया, ठीक है, वो भी पाकिस्तान के हालात देखने के बाद, वरना पाकिस्तान को जो है वो परमिशन नहीं मिलती ऐसे, ठीक है। तो अभी उन्होंने रिसेंटली 2018 के अंदर ही जो है वो पाकिस्तान का नाम डाला है, ठीक है, तो अब पाकिस्तानी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट इंडिया के लिए ये चीज़ पहले से ओपन थी, ठीक है। तो कुछ डिटेल्स यहाँ पे भी मौजूद हैं दोस्तों, आप लोग ये पढ़ के भी देख सकते हैं, और कुछ चीज़ें इनकी कतर की जो अपनी खुद की वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे भी आपको ये कंट्री लिस्ट वगैरह सब मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि किसको ये वीडियो पसंद आया और किसको नहीं, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, टाटा बाय।